स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स मोती बाजार मंडी, सोने से चमकाए अपनी खूबसूरती। हिमाचल सरकार नशा तस्करों को संदेह के आधार पर जेल भेजने का प्रावधान करने जा रही है। यह जानकारी डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। इससे पहले उन्होंने मंडी रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को और ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करने के निर्देश दिए। संजय कुंडू ने बताया कि पंजाब ने पिट एनडीपीएस के तहत ऐसे लोगों को 3 महीनों तक जेल में बंद करने का प्रावधान कर दिया है जो नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त रहते हैं। यदि पुलिस को ऐसे किसी तस्कर पर नशा तस्करी का पहले से संदेह हो जाता है तो फिर उसे समय से पहले बिना किसी अपराध के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। यह गिरफ्तारी 3 महीनों के लिए होगी और इसके लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में रिटायर्ड जज की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। गिरफ्तारी से पहले संदेहास्पद व्यक्ति को इस कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जो बड़ा नशा तस्कर है उस पर शिकंजा कसा जा सके। नशा निवारण बोर्ड की मीटिंग भी जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में है, उसमें एक दो फैसले हुए हैं जो बड़े अहम हैं। एक तो पिट एनडीपीएस है, प्रिवेंशन ऑफ एनडीपीएस, उसमें क्या है, अरेस्ट कर सकते हैं पहले ना, तो वो पंजाब ने ऑलरेडी कर दिया है और सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं सरकार को कि इसको पंजाब के पैटर्न पे इसको भी करें। और प्रिवेंटिव डिटेंशन उसको बोलते हैं ना, जो तस्कर हैं ना, जो बिग स्मगलर्स हैं, जो बचे रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा मानने में होता है एनडीपीएस में ड्रग पेडलर्स है ना, जो बेसिकली सड़क पे बेचते हैं उनको पकड़ते हैं, जो बड़े हैं उनको नहीं पकड़ते। तो पंजाब ने पिट एनडीपीएस किया, हम भी सरकार ने यह निर्णय लिया कि पिट एनडीपीएस हिमाचल में भी हो, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने के लिए कर सके। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।